साथ निभाना साथिया। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। क्या हुआ मीठी बहन, क्या भूल गई आप? गोपी भाभी, आज शुक्रवार है ना, नानी भाभी की पूजा के लिए प्रसाद का शीरा बनाना था ना। अरे हाँ, मैं भी भूल गई, मैं अभी जाकर प्रसाद बनाती हूँ। गोपी भाभी, नानी भाभी ने कहा था कि क्या कहा है माँ जी? नानी भाभी ने कहा था कि प्रसाद आप नहीं मैं बनाऊंगी। ठीक, आप जाइए, जाकर प्रसाद बनाए। पहले जरा ये सफाई कर दूं, फिर उसके बाद जाके बनाती हूँ। नहीं नहीं मीठी बहन, ये सफाई मैं कर लूंगी। और वैसे भी प्रसाद बनाने से पहले आपको हाथ पैर धोने होंगे, देर हो जाएगी, इसलिए आप जाइए जाकर प्रसाद बनाए। और हाँ, आप जाते जाते ये कपड़े मेरे कमरे में रख दीजिए। परिधि बेटा, बात को इतना दिल पर मत लो। मैं जानती हूँ, अगर तुम्हें पता होता कि वो मफलर कोकिला के स्वर्गवासी बापूजी का है, तो मुझे पूरा यकीन है तुम उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती। हाँ आंटी, लेकिन बात तो बिगड़ी गई ना। जाने में ही सही, क्योंकि आंटी को ऐसा लगता होगा मुझे उनके सेंटिमेंट्स की कदर नहीं है। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि वो मफलर उनके पापा का है, आई वॉज रियली शॉक्ड। क्या मफलर मफलर लगा रखा है? सुबह काकी सासू रोई और अब तुम? इससे अच्छा ही हो कि परिधि की जबान मौके बे मौके फिसलती है। यादा, अपना मुंह बंद कर। और तू ये क्या दूसरों को बोल रही है, जो कि खुद किसी भी हद तक गिर सकती है? गोपी, इतना चिल्ला कर क्यों बात कर रही हो? मैं देख रही हूं आजकल हमारे घर में अशांति बनी हुई है। अरे वाह, जिसने चिल्लाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्हें आज चिल्लाने से एतराज है? गोपी बहन, जरा आप तो बताइए, आप ऐसे पागलों की तरह अचानक चिल्लाने क्यों लग गए? अपना मुंह बंद रख रहा था, आज तू एक शब्द नहीं बोलेगी। माजी माजी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मीरा के टेस्ट में जो गड़बड़ी हुई है, सबके पीछे इस राधा का हाथ। क्या? हाँ माँ जी, ये देखिए माँ जी, मैं जब मीरा के टाइम टेबल चेक करने गई थी तो इसमें किसी ने वाइटनर से मैथ्स की जगह इंग्लिश और इंग्लिश की जगह मैथ्स कर दिया था। ये इस राधा का काम है। ओ अच्छा, वो कैसे? वो कैसे? ये देखिए, इसका ये नाखून टूटा हुआ है और ये है वो नाखून जिसमें वाइटनर लगा हुआ है। और ये नाखून मुझे
दांत आपके कमरे के कचरे में से निकला। अब बोल सच क्या है? ये नाखून मेरा नहीं, तुझे मैंने पहले भी कहा है। मेरे बच्चों से तू दूर रह। पर नहीं, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। वो एग्जाम के टाइम टेबल बदला, फिर वो घुंघरू, घुंघरू के साथ भी तूने जेल खाने की। इसलिए वो घुंघरू निकल गए और निकलकर मीरा के पैर में चुभने लगे। तूने जो काकी जी के साथ किया उसका सबक मैं तुझे सिखा चुकी थी, लेकिन तू वो बाज नहीं आने वाली। अब तेरे वजह से मीरा तकलीफ में है, परेशानी में है। तूने जो मीरा के साथ किया उसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी और मैं ये भूल जाऊंगी। तू मेरी बहन है और माँ बनने वाली है। इसका हाथ पकड़। कहाँ जा रही तू? उठाओ इसे। वो भी मैं छोड़िए। आप तुझे इन कांच के ऊपर नाचना होगा। गोपी मैं छोड़ दीजिए मुझे। गोपी ये तुम क्या? मोटा भाभी चिंता मत कीजिए, मैं गोपी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो राधा को मात्र डरा रही है, वो कभी भी राधा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। देखिए मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर अगर मुझे जरा से भी चोट आई तो मैं अपना बच्चा खो सकती हूँ। मैं प्लीज छोड़ दीजिए। अच्छा, जो बच्चा दुनिया में आया तक नहीं है ये उसकी चिंता है, और मैं इस माँ के बारे में एक बार सोचा जिसने अपनी बेटियों को तकलीफों में देखा है। तब आई थी तुझे तरफ, आज मैं तुझे यहाँ पर नचा कर ही रहूंगी। गोपी मैं छोड़ दीजिए। सबसे पहले तू ये बता, ये सब तूने ही किया कि नहीं? मीरा के घुंघरू के साथ छेड़छाड़, मीरा का टाइम टेबल तू नहीं बदला है ना? तेरे पास लास्ट चांस है राधा, सबको सच सच बता दे सब तूने किया, वरना काज पर नाचने के लिए तैयार हो जा। पीरू के घुंघरू भी मैंने ढीले किए थे और टाइम टेबल भी मैंने चेंज किया था। छी, कितनी नीच और ओछी हरकत की तुमने। तुमने बच्चों से बदला लिया, उनके साथ दुश्मनी पर उतर आई। हिम्मत है तो हमसे बदला ले, हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुझे क्या लगता है हम चुप है इसलिए हम कमजोर है? ये मत भूल कि हमारी मानवता है। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि तुम गर्भ से हो। के बाद भविष्य में यदि मेरे किसी भी बच्चे का तुमने बाल भी बांका किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधा अपने कमरे में जाओ। कुकी आंटी, मैंने आपसे कहा था ना कि मीरा के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। बस अब तुम मुझे समझाओगी क्या सही है और क्या गलत? राधा पर दोषारोपण करने से पहले स्वयं अपने अंदर झांक कर देखो परिधि। तुमने हमेशा धोखाधड़ी झूठ फरेब का साथ लिया है।
मैं ऐसा क्या करूं जिससे खोकी आंटी मुझे पहले की तरह फिर से पसंद करने लगे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।